तो हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टेकी मास्टर दशरथ। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम मेटा एआई फीचर्स क्या है और इसे कैसे यूज़ करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मैसेज का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन है जो आ जाता है। यहाँ पर आपको मेटा एआई का फीचर्स मिल जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर मेटा एआई का फीचर्स नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो मेटा एआई, तो आपके सामने मेटा एआई का फीचर्स आ जाएगा, आप इसे ओपन कर दीजिए। तो गाइस, इसको यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, मेटा एआई का फीचर्स है, इसमें आप एआई की मदद किया आप AI की आप हेल्प ले सकते हैं, आप इनको कुछ भी है जो सवाल कर सकते हैं, आपके सामने जल्दी आंसर है जो आपको मिल जाएगा। तो गाइस, कैसे यहाँ पर इनको सवाल पूछना है, तो गाइस मैं आपको एक इनको आप दो तीन क्वेश्चन करके यहाँ पर आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर कैसे है जो इनकी हेल्प ले सकती है। तो गाइस मैं यहाँ पर पूछता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने इनको पूछा है 2024 जन्माष्टमी। तो गाइस सेंड करते हैं प्रश्न को, तो हमारे सामने जो भी आंसर होगा वो हमारे सामने यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो टाइपिंग हो रही है, और जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर देख सकते हो जन्माष्टमी यहाँ पर आप दिखा रहे हैं, 26 अगस्त को यहाँ पर बता रहे हैं मंडे को, और हिंदू हॉलीडे होता है उस दिन। तो गाइस जो भी आपको प्रश्न था वो आपका आंसर जो आपके सामने मिल गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो 26 अगस्त को यहाँ पर बता रहा है जन्माष्टमी। अभी हम पूछते हैं और भी यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे कि हम फीवर टैबलेट पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फीवर की हम यहाँ पर टैबलेट है जो लिखती है, फीवर टैबलेट हमने यहाँ पर लिख दिया, और हम यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो जो भी फीवर की टैबलेट होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने फीवर की टैबलेट होती है, वो सारी टैबलेट यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल जाती है। इसकी जितनी भी टैबलेट है वो सारी टैबलेट यहाँ पर आपको मिलती है, और आपको इसके लिए क्या क्या आपको यहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करना है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप इनसे कुछ भी है जो हेल्प ले सकते हैं, आप इनको कुछ भी प्रश्न कर दिया है उसका आंसर है जो आपको यहाँ पर दे देता है। तो गाइस आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है।